देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर लूप मेड बाय मेड ऑफ ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर. एक स्क्वेयर लूप बन रखा है ए बी सी डी, यानी कि एक स्क्वेयर है जिसमें कंडक्टिंग वायर्स को जोड़ के चार वायर्स का यूज करके एक लूप बना दिया. द करंट एंटर द लूप एट ए, करंट जो एंटर कर रहा है वो ए पॉइंट से एंटर कर रहा है. मान लो आई का करंट है, इसमें आई का करंट ए पॉइंट से एंटर कर रहा है और डी पॉइंट से क्या हो रहा है बाहर निकलना है. ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड बतानी है क्या होगी. तो ऑप्शंस को देख के ये पता लग रहा है कि सेंटर पे पूछ रखा है, इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखे है. क्वेश्चन में ना बोल के जो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं तो ऑप्शंस के आधार पे पता लग रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये पूछे इसमें. तो देखो इसमें पहली बात कि अगर एक क्लोज लूप हो और उसमें एक एंड से करंट एंटर करे और एक एंड से बाहर निकले, दूसरे एंड से इससे एंटर कर रहा है तो दूसरे से बाहर निकलना चाहिए, तो हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगी सेंटर पे. क्लोज लूप होना चाहिए. मान लो मैं चाहिए वो क्लोज लूप ये बना दो. इस क्लोज लूप में मान लो यहाँ से करंट एंटर करा और यहाँ से बाहर निकल गया, तो इसके सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगी. हाँ बाहर चाहे यहाँ से एंटर करा चाहे यहाँ से निकल जाए, यहाँ से एंटर करा यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, ठीक है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे क्या होगी जीरो होगी. सेम इसमें, इसमें भी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे जीरो होगी. कैसे होगी वो देखो. मान लो कि यहाँ पे करंट जा रहा है, ये एक वायर होगी, इसकी लेंथ मान लो ये इक्वल इक्वल लेंथ की वायर है, तो इसका एक वायर का रेजिस्टेंस मान लो आर है. तो ये तीनों वायर जो सीरीज में, सीरीज में, तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया 3R और इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया R. ऊपर वाली तीनों वायर का रेजिस्टेंस है 3R क्योंकि सीरीज में, तो R R R और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R. तो रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो कितना है 3:1. रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया 3:1. तो करंट का रेशियो क्या होगा 1:3. मान दो तो यहाँ से I का करंट गया तो इसमें 1 पार्ट जाएगा और इसमें 3 पार्ट इसमें जाएंगे, तो इसमें करंट जो जाएगा वो कितना होगा I/4 और इसमें करंट जाएगा 3I/4, ठीक है. अब एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो सेंटर पे. देखो इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, एक फाइनाइट वायर है ये, तो ये ज्वाइन कर दो, दोनों एंड ज्वाइन कर देंगे मिड पॉइंट से. यहाँ पे मिड पॉइंट से जी कहीं पे ये मैग्नेटिक, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जो साइड है वो कोई मान लो ए, मान लो साइड क्या है ए है, तो ये कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी. तो यहाँ पे करंट जा रहा है कितना I/4 का, करंट I/4 का, ये एंगल जो होगा मैं कहती हूँ 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री. तो यहाँ से हम एक वायर की वजह से, मान लो ये वायर नंबर 1 है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी μ0I/4πa/2. 4πd होता है तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे a/2 sin α + sin β. तो यहाँ पे μ0I/4πa/2 sin α की वैल्यू sin 45 1/√2 और sin बीटा भी कितना है 1/√2 ये आ जाएगी. तो ये कितनी आएगी μ0 और I की वैल्यू भी क्या पुट करोगे I/4 पुट करोगे तो μ0I/4 into 4πa/2 into 2/√2. तो ये आ जाएगी आपके पास μ0I/8πa/2/√2 और इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो किधर आएगी अंदर की तरफ आएगी, तो क्रॉस इनसाइड आएगी इसकी डायरेक्शन. और इस बायसिमेट्री आप कह सकते हो इसकी वजह से भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस वायर की वजह से सेम आएगा और वो भी किधर आ रहा है अंदर की तरफ, बायसिमेट्री कह सकते हो. ये वायर नंबर 2 मान लो, ये वायर नंबर 3, इसकी वजह से भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वो भी किधर आएगा अंदर की तरफ. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों वायर्स की वजह से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो तीनों वायर्स की वजह से होगा वो कितना हो जाएगा μ0I/3/8πa/2/√2 और ये किधर होगा अंदर की तरफ इनसाइड होगा. अब देखो इसकी वजह से जो इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटसाइड आएगा और वो कितना आएगा, देखो सेम फॉर्मूला लगाओगे कितना आ जाएगा वो I की वैल्यू जो पुट करोगे 3I/4 पुट करोगे तो B इक्वल टू आ जाएगा μ0I की वैल्यू कितनी 3I/4
3i/4 इंटू में 4π a/2 इंटू में 2/√2 आ जाएगा ये, साइन अल्फा भी 45 साइन बीटा भी 45, तो यहाँ से इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा आपके पास म्यू नोड 3i/8 में 8π a इंटू में 2/√2, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी आउटसाइड। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों सेम है या नहीं है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आएगी आपके पास, जीरो। तो इस बात को ध्यान रख लो कि अगर एक क्लोज लूप है जिसमें एक एंड से करंट एंटर करा है एक एंड से बाहर निकल रहा है, तो उस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी सेंटर पे। अगर ऐसे हो कि मान लो ऐसे करंट जा रहा है यहाँ पे ऐसे, तो उस केस में नहीं होगी, इसका मतलब यहीं से एंटर करा है यहीं से बाहर निकल रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एंटर करा है यहीं से बाहर निकल रहा है, तो इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, और इसकी वजह से भी क्या आएगा अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड चारों की वजह से ऐड हो जाएगी। तो एक की वजह से इतनी आई थी करंट, इसमें आई की वैल्यू पुट मत करो, मतलब ए बाई टू तो वही रहेगी, आई की वैल्यू आई ही रहेगी, तो इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, 4 times हो जाएगा। तो एक एंड से एंटर करो एक से बाहर निकल रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगी, जीरो आएगी, और क्लोज लूप होना चाहिए किसी भी शेप का हो जाए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो ओनली एट द सेंटर ऑफ द लूप, जीरो होगी सेंटर ऑफ द लूप पे, ठीक है, ए ऑप्शन।